और निहत्थे कश्मीरियों की आवाज यूरोपियन पार्लियामेंट तक पहुंच गई। यूरोपियन पार्लियामेंट की तारीख में पहली बार कश्मीर में होने वाले इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों और मौजूदा सूरत हाल पर बहस की गई है। 27 रुकन ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान पार्लियामेंट ने कश्मीर में भारतीय मुजालिम फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। आपको बता रहे हैं कि पहली बार कश्मीर में होने वाले इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों और मौजूदा सूरत हाल पर यूरोपियन पार्लियामेंट में बहस की गई है। 27 रुकन ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान पार्लियामेंट ने कश्मीर में भारतीय मुजालिम को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यॉर्कशायर एजाज फजल की रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में भारत के जारहाना इकदाम के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट में फॉरन अफेयर्स के मिनिस्टर फेडरिका मोगनी की स्टेटमेंट के बाद कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर बहस का फैसला किया गया। इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट की एक रुकन एमा निकलसन ने मुशरफ दौर में कश्मीर पर एक रिपोर्ट मुरतब की थी। इस पर कश्मीरियों और पाकिस्तान को सख्त तहफ्फुजात थे। कश्मीरियों की खुशकिस्मती है कि यूरोपियन पार्लियामेंट की तारीख में पहली बार इस वक्त एक कश्मीरी शफाक मोहम्मद पार्लियामेंट के मेंबर हैं जिन्होंने इस बहस के इनेकाद में कलीदी किरदार अदा किया। पीपल ऑफ कश्मीर हैव सफर्ड एंड कंटिन्यू टू सफर। द ईयू इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्राउडली स्टैंड्स फॉर ह्यूमन राइट्स राइट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड वी मस्ट नाउ टुडे स्टैंड विद द पीपल ऑफ कश्मीर। द ऑनगोइंग क्राइसिस इन कश्मीर थ्रेटन्स द पीस एंड सिक्योरिटी of the wider region, one of the most volatile in the world. It's our responsibility to do something. The people of Kashmir should be the ones who decide their fate and their future. Self-determination and upholding human rights are fundamental values in our European Union, and we should demand no less from others around the world. Fighting in Kashmir has been going on for decades, but in the end the crisis is going to be ended only when people sit down the table and talk. यूरोपियन पार्लियामेंट में कश्मीर बारे होने वाली इस बहस को रुकवाने के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर कश्मीर दोस्त मेंबरान पार्लियामेंट और इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों ने भारत को अपने मिशन में कामयाब नहीं होने दिया। यूरोपियन पार्लियामेंट में कश्मीर के अंदर होने वाले इंसानियत सोज मुजालिम के खिलाफ कश्मीरियों के हक में होने वाली इस अहम बहस में हिस्सा लेते हुए यूरोपियन पार्लियामेंट में लेबर लीडर MEP रिचर्ड कॉर्बट, रहनुमा टोरी पार्टी एंथा मिक्लेयर, MEP बेरेंस नौशीना मुबारक, MEP फिलिप पेनन, MEP क्रिस डेविस, MEP जॉन डोडिंग ने खुलकर कश्मीरियों के मौकफ की हिमायत। यूरोपियन पार्लियामेंट में होने वाली इस अहम बहस में बरतानिया से दो भारतीय निजात मेंबर पार्लियामेंट नीना गुल, MP जॉफरी ने कश्मीरियों के मौकफ के खिलाफ दलाल दिए। यूरोपियन पार्लियामेंट में कश्मीर बारे होने वाली इस अहम बहस के बाद एक बात दुनिया पर वाजे हो गई कि भारत कश्मीर में न सिर्फ जबरदस्ती काबिज है बल्कि वो गुज़िश्ता 70 बरस से कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम ढा रहा है। मगर 5 अगस्त को उठाए गए इंतहाई इकदाम के बाद मसला कश्मीर को दुनिया भर में अहमियत मिली है और दुनिया कश्मीरी कौम से पहली बार हमदर्दी जितला रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट में होने वाली कश्मीर बारे हालिया बहस का रवा माह के आखिर में जनरल असेंबली के इजलास पर भी गहरा असर पड़ सकता है। एजाज फजल, ब्यूरो चीफ यॉर्कशायर, UK 44। वॉच अस ऑन स्काई 756 फ्रॉम 11th June।